कितनी अच्छी लगती है हाथ में पहनी हुई अंगूठी, है ना? पर आपको पता है ये कैसे बनती है? सुनार कितनी देर में इसे तैयार करता है? चलिए खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले सोने के छोटे से टुकड़े को लिया जाता है और लगभग आधे घंटे तक इसे आग में तपाया जाता है। इसके बाद सोने के इस छोटे से टुकड़े को पीसने वाली मशीन में डालकर इसका आकार बदल देते हैं। फिर कारीगर लगभग दो घंटे इस मोटे से पिसे हुए टुकड़े को लेकर उसमें रत्न डालकर अंगूठी का ऊपर वाला हिस्सा तैयार करते हैं, जिसे कैप कहते हैं। इसके बाद एक छल्ला लिया जाता है सोने का, उसके ऊपर कैप को जोड़ा जाता है। यहाँ से अंगूठी को रत्न चढ़ने के लिए भेज दिया जाता है तीसरे कारीगर के पास, जहाँ पर अंगूठी को फिर से ठोक और पीट कर सही आकार दिया जाता है। ये प्रक्रिया लगभग 20 मिनट तक होती है। यहाँ से अंगूठी को बिना रत्न लगाए उसकी पूरी गंदगी साफ करने के लिए दूसरी कारीगर के पास भेजा जाता है और अंगूठी को तेजाब डालकर 15 मिनट तक तेज आंच पर रखा जाता है। इसके बाद सोने के पानी से रत्न को साफ किया जाता है। सबसे आखिरी प्रोसेस होता है अंगूठी में चमक लाने का। ठंडे पानी में तेजाब डालकर अंगूठी में चमक लाई जाती है। एक सुंदर अंगूठी बनने में लगभग 5 घंटे लगते हैं और 3 कारीगर मिलकर इसे तैयार करते हैं। तो ये था अंगूठी बनाने का प्रोसेस। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।